हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दास एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल आपका ग्रुप डी का रिजल्ट जारी कर दिया गया, लेकिन फ्रेंड्स यहां पर आपको बताएं कि जो ग्रुप डी का रिजल्ट जारी हुआ उसमें बहुत बड़ा धांधली किया गया है रेलवे के द्वारा। अब ये रेलवे के द्वारा धांधली किया गया है या फिर इसका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये तो अब बाद में ही पता चलेगा, लेकिन मैं ये 100% दावा के साथ कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा धांधली किया गया है। अब ये कैसे धांधली किया गया है मैं आपको आगे, आप बने रहिए, अब सब कुछ आपको वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके जो ये रिजल्ट है वो आपके हित में जाए और रिजल्ट कैंसिल होने में मजबूर हो जाए रेलवे मंत्रालय। तो चलिए मैं कुछ आपको कारण बताता हूँ कि धांधली का। देखिए, आप जब आपका एग्जाम चल रहा था तो बहुत सारे सेंटर में ये आपको देखा जा रहा था कि जो नकल करते हुए लड़के पकड़ा जा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि आपका रिजल्ट में धांधली किस तरह हुआ था। तो देखिए, धांधली इसी तरह हुआ है कि देखिए, किसी का अगर नंबर 57 है, ठीक है, तो 57 से मात्र उसका 2 नंबर ही बढ़ाकर उसका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 2 ही नंबर बढ़ा है। बहुत कोई का जैसे आंसर किया आया था तो किसी ने अपना मार्क्स जो काउंट किया था 57 मार्क्स काउंट किया था, लेकिन जब उनके जो नॉर्मलाइजेशन मार्क आ रहे हैं तो उसका मात्र 58, किसी का तो 1 नंबर घट भी गया, उस टाइप का यहाँ पर धांधली देखा गया है। और अगर बात करें तो देखिए, किसी का 42 है तो उसका वहाँ पर 30 नंबर बढ़ा दिया गया, ठीक है, 30 नंबर, ठीक है, और किसी का 2 नंबर बढ़ाया है। ये तो होगी आपका नॉर्मलाइजेशन की बात। सेकंड पॉइंट होता है कि देखिए, यहाँ पर आपका डायरेक्ट नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ तो डायरेक्ट नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दिया हुआ है, यहाँ पर आपका रॉ मार्क्स नहीं दिया हुआ है, जिससे पता नहीं लग रहा कि लड़का का कि वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में किस तरह नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ाया। अगर उस वो रॉ मार्क्स दे देता तो उससे पता चल जाता कि नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ाया, लेकिन वे जानबूझकर, रेलवे जानबूझकर नॉर्मलाइजेशन जो आपका रॉ मार्क्स आ रहा है, रॉ मार्क्स नहीं दिया गया, ठीक है। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा गलती है उन लोगों का रेलवे के द्वारा कि वहाँ पर रॉ मार्क्स यहाँ पर देना चाहिए। आप लोगों ने तो देखा था जो ALP है, ठीक है, ALP टेक्नीशियन में जैसे आपका रिजल्ट आया था तो वहाँ पर आपका रॉ मार्क्स अलग से दिया हुआ था, उसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अलग से दिया हुआ था, लेकिन इन्होंने ग्रुप डी का जो रिजल्ट आया उसमें इन्होंने नहीं दिया, डायरेक्ट इन्होंने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दे दिया है। और कुछ मैं आपको इस तरह के रिजल्ट दिखाऊंगा जिसमें तो किसी बंदे का रिजल्ट 148 आया हुआ है। अब 148 अगर आ गया है तो मान लीजिए उस बंदे का 100 क्वेश्चन सही होंगे तभी ना उसका जो नॉर्मलाइजेशन हो के उसका 148 मार्क्स आया होगा। किसी भी ऐसा नहीं है कि उसका 48 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएंगे। अब ये 100 मार्क्स आए कहाँ से, तो जरूर उस बंदे ने नकल कराया होगा, नकल करा होगा तभी ना उसने 100 में 100 क्वेश्चन बना के आया होगा। और अब मैं आपको आगे बताता हूँ और आपको मैं जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है सब कुछ बताऊंगा, आप खुद भी उसे देख सकते हैं, ठीक है, सब मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, उस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो वो जो आपका 148 मार्क्स आता है तो वो किस किस आधार पर आएगा, अगर उसका 100 मार्क्स आया रॉ मार्क्स तभी ना उसका 140 मार्क्स आएगा, ठीक है। तो इसी तरह धांधली, बहुत ज़्यादा धांधली किया गया है, किसी किसी बंदे का 120 आया हुआ है। तो ये सब रेलवे का बहुत बड़ा गलती है और हम चाहते हैं कि जो रिजल्ट है वो बहुत मतलब आपका कैंसिल हो और रिजल्ट कुछ जैसे सबके साथ किया गया उसी तरह रिजल्ट मतलब सबके साथ एक तरह का व्यवहार हो, ये नहीं कि किसी का 26 नंबर बढ़ा दो, किसी का 2 नंबर बढ़ाओ और किसी का 1 नंबर बढ़ाओ, इस तरह नहीं होना चाहिए रेलवे में। अब मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखाता हूँ, उसमें आपको पता चलेगा कि उसमें कैसा धांधली किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है यहाँ पर 148 मार्क्स यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, और ये रिजल्ट गलती नहीं है, ये मैंने खुद चेक किया है और मैं आपको लास्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ प्रोवाइड करूँगा ताकि आप खुद चेक करके देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 148 दिखा रहा है और इसका ये शॉर्टलिस्टेड है। तो ये क्या है 148 मार्क्स, मतलब क्या किसी का भी 148 मार्क्स कैसे आ सकता है। उसी तरह अगर कुछ दूसरा रिजल्ट देखते हैं हम लोग, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो दूसरा कुछ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इस तरह है कि 101 नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, यहाँ पर ये शॉर्ट लिस्टेड बता रहा है इसका भी। तो ये मतलब एकदम क्या बोलेंगे, रेलवे के द्वारा बहुत ही बड़ा एकदम घोटाला किया गया है। अब मैं आपको ले चलता हूँ जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सबका दिया वो उस सब के बारे में मैं आपको बताता हूँ ताकि आप खुद चेक कर ले। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो कुछ रोल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ है ये आप खुद चेक कर सकते हैं देख के, ठीक है, आप इसे खुद चेक कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह धांधली किया हुआ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे को शेयर कीजिए, तब आपका जो रिजल्ट है वो कुछ होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। तो तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि आपका रिजल्ट क्या होता है, आगे क्या होता है।